CA फाउंडेशन जून 2023 का रिजल्ट आ चुका है एंड आई नो देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो लोग इस बार क्लियर नहीं कर पाए हैं. सो 25% वाज द रिजल्ट, मतलब 75% पीपल आर देयर हु वर नॉट एबल टू क्लियर CA फाउंडेशन दिस टाइम. बट इफ यू आर रियली विलिंग टू मेक द कमबैक, प्लीज वॉच दिस कमबैक स्ट्रेटजी. अगर आपका ये पहला अटेम्प्ट था या फिर आपका दूसरा तीसरा चौथा अटेम्प्ट था और आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल घूम रहे हैं और आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि वापस से शुरू कैसे किया जाए, तो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग द टाइम. तो मैं यहाँ पर आपको तीन मेन चीजों को बताने वाला हूँ. सबसे पहले मैं कुछ चार स्टेप्स बताऊंगा विच विल हेल्प यू टू मेक द कमबैक. देन आई विल टेल यू अ सजेस्टेड टाइमलाइन कि अभी से लेके दिसंबर अटेम्प्ट के एग्जाम तक कौन कौन से मेजर माइलस्टोन्स है जो आपको ध्यान रखने हैं. एंड एट द लास्ट आई विल टेल अबाउट सम स्पेसिफिक गाइडेंस बेस्ड ऑन द सिचुएशन ऑफ द स्टूडेंट. सिचुएशन का मतलब अगर आपने पहली बार दिया था तो आपकी सिचुएशन अलग है. अगर कोई दो या तीन अटेम्प्ट दे चुका है तो उसकी सिचुएशन अलग होगी सोचने की. दोनों को लेके अलग अलग तरीके से गाइडेंस में एट द एंड वो भी आपको देने वाला हूँ. ठीक है, लेट्स बिगिन. उसके पहले प्लीज यार इस पूरी बात को पढ़ लीजिए, मैं भी इसको रिसाइट करूंगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी पॉजिटिव एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ओपन माइंड के साथ चीजों को सुनने की कोशिश करें. ठीक है, सो फेलियर इज नॉट द एंड ऑफ एवरीथिंग, इट इज जस्ट वन एग्जाम. तो आपके पास हमेशा समय रहता है कि आप अपनी गलतियों से सीखते हो और ग्रो होते हो और बेटर बनते हो. ठीक है, तो अब जो भी फेलियर आया है आप पॉजिटिव एटीट्यूड से लेना ही होगा. वी डोंट हैव एनी अदर एक्सपीरियंस. ठीक है, और जब आप इस नेगेटिव टाइम को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दोगे ना, तो वो और ज्यादा वैल्यूएबल हो जाएगा आपकी लाइफ में कि नहीं यार मैंने ये फेलियर देखी थी एंड आई केम बैक फ्रॉम दैट. तो दैट्स हाउ दिस कमबैक स्ट्रेटजी इज, इट्स नॉट द एंड एट ऑल. सो मेन फोर स्टेप्स टू डू कमबैक: एक्सेप्टेंस, इंट्रोस्पेक्शन, प्लानिंग, रीस्टार्ट. क्या है सर ये? लिसन टू मी वेरी केयरफुली, एक एक करके. एक्सेप्टेंस का मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ? एक्सेप्टेंस से मैं कहना चाहता हूँ कि यार सबसे पहले तो माइंड से ये सारी चीजें निकाल दो कि तुम सही थे, रिजल्ट गलत आया होगा, इसकी गलती है, उसकी गलती है, इनका सपोर्ट नहीं था, उनका सपोर्ट नहीं था, ये टीचर से पढ़ा था इसलिए नहीं निकला, उनसे पढ़ा था इसलिए नहीं निकला. ये सब फालतू बात है भाई, सब फालतू बात है. एक्सक्यूज किसी को आप नहीं दे सकते, किसी और पे ब्लेम नहीं कर सकते. तो सबसे पहले तो एक्सेप्ट करो कि हाँ मुझसे गलती हुई है यार, होता है, इतने सारे लोगों से होता है, मुझसे भी हुआ है, दैट्स कंप्लीटली ओके. तो अलाउ योरसेल्फ टू फील, क्योंकि जब तुम वो फील करोगे कि हाँ इट वॉज माई फेलियर, तभी तो तुम्हारे अंदर से वो आग आएगी वापस से उसको जीतने की, कमबैक करने की. समझ रहे हो मेरी बात को? अच्छा, आपको खराब लग रहा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ओवरकम ऑल्सो. तो आप पेरेंट्स का सपोर्ट लीजिए. आपको जरूर लग सकता है कि मैं पेरेंट्स से कैसे नजर मिलाऊं, ऐसा नहीं होता यार. वो आपको जरूर जिस तरीके से सिंपथाइज करेंगे या फिर आपको जिस तरीके से गाइडेंस देंगे, इट विल रियली हेल्प यू. आप फ्रेंड्स के सामने फेस नहीं दिखा रहे हो कि मेरे दोस्त लोग क्या बोलेंगे कि बता यार फाउंडेशन नहीं निकला इसका, ऐसा कुछ नहीं होता यार. एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ये सिर्फ अननेसेसरी का बनाया हुआ है कि भाई जब हम फेल हो गए तो लोग मजाक उड़ाएंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं होता. जो तुम्हारे ट्रू फ्रेंड्स हैं, जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, वो बिल्कुल तुम्हारा सपोर्ट करेंगे. और ऑब्वियसली वी टीचर्स आर हियर, यू कैन रीच आउट टू अस ऑल्सो. डोंट ब्लेम सिचुएशंस और द एग्जामिनेशन सिस्टम ऑब्वियसली कि सर मेरे को ग्रेस मार्क्स नहीं मिला या फिर मेरा सिर्फ एक नंबर से यहाँ पर रह गया या ICI का गलत चेकिंग हुआ है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई. ठीक है, तो सिचुएशंस पर ब्लेम मत करो, जो हुआ है उसको एक्सेप्ट करना है, आगे बढ़ना है. थोड़ा रेस्ट लेने की जरूरत है, रिजल्ट तो चलो कल ही आ गया था तो ये चीज़ अच्छी थी कि आपको कल रात का समय मिल गया था. जितना भी आप ओवरथिंक कर रहे थे अब तक, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ हील हो चुके होंगे. लेकिन अगर हील नहीं हुए हो तो प्लीज़ यार एक डीप ब्रेथ लो, एक्सेप्ट करो सारी चीज़ों को, है ना. और सोचो मत कि अब आगे क्या करना है, कैसे करना है, वो मत सोचो अभी. अभी बस एक्सेप्ट करो कि हाँ भाई रोना आ रहा है, रो लो. किसी से बात करनी कर लो. तुम्हें गुस्सा आ रहा है, हो जाओ गुस्सा. अपनी भड़ास निकालनी है निकाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन इसको आज जल्दी से जल्दी खत्म करो, आज नहीं तो एक दिन और ले लो. बट जब तक तुम्हारा माइंड खाली नहीं हो जाता ना, तब तक तुम आगे की प्लानिंग नहीं कर सकते. ठीक है, तो ट्राई टू काम डाउन योरसेल्फ. अब आता है दूसरा स्टेप, वेरी इंपॉर्टेंट, इंट्रोस्पेक्शन. इंट्रोस्पेक्शन का मतलब ये नहीं है कि हाँ मैं इसमें फेल हो गया, इसको ज्यादा कर लूंगा, उसको ज्यादा कर लूंगा. यू नीड टू गो टू द रूट यार, और इसको फाइंड आउट करने में जो बेस्ट पर्सन तुम्हारी मदद करेगा वो पता कौन है? तुम खुद. ना तो मैं बता सकता हूँ, ना कोई और टीचर बता सकता है, ना तुम्हारा कोई फ्रेंड बता सकता है. वो रूट कॉज तुमको ही पता है. ढूंढना मुश्किल है लेकिन तुम ही ढूंढ सकते हो, और कोई नहीं. क्या क्या रूट कॉज हो सकते हैं? क्या मेरी प्रिपरेशन में ही कमी थी? अगर ये रूट कॉज है तो बहुत अच्छी बात है, प्रिपरेशन ज़्यादा करेंगे कि भाई कमी रह गई थी प्रिपरेशन में, समय कम था, या कोई सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया. तब तो इट्स वेरी प्रिटी क्लियर कि अब तुम ज़्यादा प्रिपेयर करके अटेम्प्ट करो.
एग्जाम नर्व्स का मतलब होता है कि तुमने प्रिपरेशन सही करी थी लेकिन वो एग्जाम का जो टेंशन है, वो एग्जाम का जो प्रेशर है ना, वो तुमसे हैंडल नहीं हो रहा। तो उसको डील आउट करने के अलग तरीके हैं भाई। प्रिपरेशन तो ऑब्वियसली तुम्हें करनी पड़ेगी फिर से दूसरी बार, लेकिन अगली बार एग्जाम का प्रेशर हैंडल हो सके उसके लिए भी अपने आप को तैयार करना है मेंटली फिजिकली। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है सर सब कुछ सही था, टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं हो पाया सर, तो अगली बार तुमको पहले से माइंड में रखना है कि नहीं यार इस बार कुछ भी हो जाए मैं मॉक पेपर्स दूंगा, मैं बहुत सारी प्रैक्टिस करूंगा, अपने अपने टाइम को इवैल्यूएट करूंगा, चेक करूंगा कि क्या मैं टाइम इंप्रूव कर पा रहा हूँ या नहीं, और नहीं कर पा रहा तो उसमें और मेहनत करूंगा, टाइम मैनेजमेंट अच्छा करके जाऊंगा। अच्छा, फिर कई बार ऐसा भी होता है पुअर स्टडी हैबिट्स की, हमको पता चलता है कि यार हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली, हमने ये भी देख लिया वो भी देख लिया, हम शायद किसी पर्टिकुलर चीज़ में स्टिक रहते या फिर एक बेसिक प्लान बनाए होते तो सही रहता, ये करने के चक्कर में कॉन्सेप्ट भी नहीं हुआ या फिर बहुत सारा करने के चक्कर में कुछ नहीं हुआ, ये भी कुछ बातें आपको खुद ही पता चलेंगी, ऐसा नहीं। ठीक है, लैक ऑफ मोटिवेशन कि मेरे अंदर वो आग नहीं थी यार कि मेरे को करना है या नहीं करना है, जो भी है, तो यू विल फाइंड योर मोटिवेशन, यू हैव टू फाइंड दैट। ठीक है, और या फिर कोई हेल्थ इश्यूज था तो नेक्स्ट टाइम यू विल इंश्योर कि भाई मैं अपनी तबीयत का अच्छे से ख्याल रखूंगा, डाइट वेट प्रॉपर रखूंगा, ताकि एग्जाम के टाइम में ऐसी मिस हैपनिंग ना हो जाए कभी कि हेल्थ इश्यू एटसेट्रा आ जाए। तो जो भी तुम्हारा सिचुएशन है वो तुमसे ज्यादा कोई नहीं जानता, बट थिंक ऑफ इट, फ्लैशबैक में जाओ, सोचो, ये तुम अपने तरीके से तो पहले करो, फिर और भी लोग तुम्हें गाइड करेंगे, नो डाउट मैं भी गाइड करूंगा, बट पहले खुद के तरीके से तो सोचो कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी तरफ से क्या क्या वीक पॉइंट रह गए हैं जो कारण बने हैं एग्जाम को क्लियर ना करने के। अगला आता है मेकिंग अ स्टडी प्लान, मेकिंग अ स्टडी प्लान। तो जब हमने अपने आप को नॉर्मलाइज कर दिया है एक्सेप्ट करके, अब हम लोगों ने इंट्रोस्पेक्शन कर लिया है, तो क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन से आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी, इस पे आपको वर्क करना है, तो आप जब अपना प्लान बनाओगे ना तो उन वीक चैप्टर्स को आइडेंटिफाई जो आपने किया है उनको माइंड में रख के करो कि भाई पहले इनको क्लियर करूंगा। कई बार ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक्स तुमको कम बन रहे होते लेकिन कुछ चैप्टर्स में तुम्हें ऐसा लगता है कि यार मुझे कुछ नहीं आता, तो उनको अगर उन टॉपिक्स के लिए तुम्हें लगता है क्लास भी करनी है तो तुम क्लास भी कर सकते हो, जिनमें तुम्हें लगता है कि नहीं आता है बस बेसिक रिविजन से हो जाएगा। सो यू हैव टू सेग्रीगेट, आपको अपना प्लान अपने तरीके से बनाना है कि तुम्हें क्या लगता है। अच्छा, तो डिसाइड द चैप्टर्स वेयर यू नीड टू अटेंड द क्लासेस अगेन। अच्छा, कई लोग क्या गलती करते हैं भाई, पिछली बार क्लासेस अच्छे से करें, इस बार फिर से पूरी क्लासेस करने लग जाते हैं और फिर कहते हैं सर एग्जाम आते आते तक क्लास ही खत्म नहीं हुई थी, रिवाइज नहीं कर पाए। अरे क्यों भाई, एक बार एग्जाम दिया तो तुम जानते हो ना सिलेबस को, सारा सिलेबस थोड़ी फिर से पढ़ने की जरूरत होती है। तो यू हैव टू सेपरेट इट आउट कि भाई एग्जैक्टली तुम्हें कितनी जरूरत है करने की, ये भी तुमको पता है। फिर डिसाइड द रियलिस्टिक गोल्स, ऐसा नहीं भाई कि मैं 18 घंटे पढ़ूंगा, 12 घंटे पढ़ूंगा, 14 घंटे पढ़ूंगा, ऐसा कुछ नंबर ऑफ आवर्स के हिसाब से इवैल्यूएट मत करो, कुछ रियलिस्टिक गोल्स बनाओ कि भाई मैं इतने समय में ये कवर करने की कोशिश करता हूँ, इतने समय में मेरे जो टॉपिक्स जिनकी क्लासेस है पहले उसको खत्म कर लेता हूँ, फिर शुरू से रिवीजन चालू करूंगा, रिवीजन एक बार हो जाएगा तो मॉक पेपर्स करूंगा, आरटीपी पीवाईक्यूज करूंगा। एक बेसिक प्लान बनाओ, रियलिस्टिक रखो उसको। सेट अ डेडलाइन फॉर क्लास कंप्लीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा लगता है बस चले जा रही क्लास, फिर से एग्जाम आ गया, तो एक डेडलाइन तुमको रखनी पड़ेगी। उस डेडलाइन तक नहीं होता तो रुक जाओ, कोई बात नहीं, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा एक आधा चैप्टर का क्लास नहीं हुआ ना, बट अगर उस एक चैप्टर के चक्कर में तुमने 15-20 दिन और दे दिए और रिवीजन ही नहीं हुआ तो ज्यादा नुकसान होगा। ठीक है, बैलेंस टाइम टू मल्टीपल रिवीजन, क्विजेस एंड मॉक पेपर्स। कई बार क्या होता है बच्चे रिवाइज करे जा रहे पेपर देने की हिम्मत नहीं कर रहे, तुम चार बार रिवाइज कर रहे हो और मॉक पेपर एक भी नहीं दे रहे, या फिर दो बार रिवाइज कर रहे हो और दो मॉक पेपर दे रहे हो, सेकेंड केस इज बेटर। प्रैक्टिस भी तो होनी चाहिए, एग्जाम का एनवायरमेंट का भी प्रैक्टिस होना चाहिए, समझ रहे हो। एंड देन एडजस्ट द प्लान आफ्टर यू रिव्यू योर कॉपीज। आपको अगर अभी किसी सब्जेक्ट में लगता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों नंबर काटे गए अकाउंट्स या लॉ में से, तो उनकी कॉपी भी बुलवाओ। देखो मैथ्स सीखो में तो पॉसिबल नहीं है, बट अकाउंट्स और लॉ में अगर तुम्हें कहीं लगता है तो कॉपीज बुलवाओ। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि जब तुम्हारी कॉपीज आएंगी तब तुम्हें उन कॉपीज को रिव्यू करना और देखना है कि भाई ऐसी कौन सी चीज नई पता चल रही तुम्हें कि यार ये भी तुम्हारी गलतियां हैं। कई बार हमें खुद से पता नहीं होता कि हम ये गलतियां कर रहे हैं एग्जाम मोमेंट में, पर कॉपी देख के पता चलता। तो जिस दिन भी कॉपी आए उस दिन एकदम डेडिकेटेडली उस कॉपी को थॉरली रिवाइज रिव्यू करने में लग जाओ। तो कॉपीज को भी अप्लाई कर दो, आरटीआई से ज्यादा कॉस्ट भी नहीं आती, लगे तो दोनों सब्जेक्ट का कर दो, उसमें कोई नुकसान नहीं है भाई। अब जब तुम ये पूरी प्लानिंग कर लोगे, नाउ यू आर एलिजिबल टू रीस्टार्ट। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, आज रिजल्ट आया रात से पढ़ना चालू या कल से पढ़ना चालू, बिना किसी प्लानिंग के, बिना अपने आप को नॉर्मलाइज किए, माइंड में चल रहा है अरे यार मैं फेल हो गया और बुक सामने रखी हुई है और आप नंबर ऑफ आवर्स गिन रहे हो कि आज मैंने 6 घंटे पढ़ लिया। नहीं भाई, नहीं, क्लियर आउट करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। अगला, बिगिन विद द इजी शेड्यूल। अब देखो यार, तुमने फाउंडेशन का एग्जाम दिया, रिजल्ट आया, बीच में समय था, गैप था, 1 महीने से ऊपर का गैप था, पढ़ाई की जो तुम्हारी फ्लो है वो थोड़ी सी ब्रेक हुई है, तो एकदम से फ्लो में नहीं आओगे,
धीरे 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 बढ़ाओगे, तो अपना जो शेड्यूल है वैसे धीरे धीरे इंक्रीज करते रहना कि चलो स्टार्टिंग में तुमने क्लासेस कर रहे हो, क्लासेस मान लो दिन में 4 घंटे की हो रही है, 2 घंटे सेल्फ कर रहे हो, फिर धीरे धीरे सेल्फ को बढ़ा रहे हो, धीरे धीरे ओवरऑल इंक्रीज करते जा रहे हो टाइम। मतलब तुम्हारा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, तो उसका जो पीक है, पीक वाला टाइम तुम्हारा एग्जाम का टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले इतना ज्यादा एंथू हो गए कि एग्जाम तक आते आते फिर लूज कर गए हो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। इंक्रीज द स्टडी टाइम ग्रेजुअली, और जैसा कि मैंने बोला, अप्लाई फॉर द कॉपीज इज ऑल्सो योर एक्शन पॉइंट, ये आपको करना है, ये भी आपको करना है, कॉपी के लिए अप्लाई तो कर ही देना। सेलिब्रेट द स्मॉल माइलस्टोन, कि भाई तुमने छोटा सा टारगेट रखा था पूरा हुआ ना, तो अंदर फील करो उसको कि हाँ यार अच्छी बात है, गुड। तो धीरे 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 क्या हम पिकअप करते जाते हैं चीज़ों को, मोटिवेट होते जाते हैं, तो आगे बढ़ते जाते हैं। यू हैव टू स्टे मोटिवेटेड। और जैसा कि मैंने बोला, कई कई लोगों को एग्जाम नर्व्स की प्रॉब्लम है कि भाई एग्जाम के दिन वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए, तो उनके लिए फिजिकल मेंटल हेल्थ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर फोकस करना। बाकी लोग भी ऑब्वियसली कर ही रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि करना तो सबके लिए जरूरी है। क्योंकि यार एग्जाम के टाइम पे मेरी तबीयत खराब हो जाना इज द वर्स्ट केस, या एग्जाम के दिन मैं मेंटली इंबैलेंस हो जाऊं कि यार मैं नहीं मैनेज कर पा रहा, बहुत प्रेशर आ गया, दैट इज ऑल्सो नॉट राइट। तो दोनों पर थोड़ा सा वर्क करना होगा। फिजिकल बैलेंस के लिए आप आधे घंटे निकालो ना यार, इतना भी टफ नहीं फाउंडेशन की तुम आधे घंटे नहीं निकाल सकते। यूपीएससी की तैयारी थोड़ी कर रहे हो, फाइनल की तैयारी थोड़ी कर रहे हो, आधे घंटे तो निकाल सकते हो ना अपनी हेल्थ के लिए। कुछ भी एक्सरसाइज कर लो, कुछ नहीं होता ना वॉक कर लो भाई, वॉक कर लो थोड़ी सी। और मेंटल हेल्थ के लिए मैं तुमको बोलूंगा मेडिटेशन करो। मेडिटेशन बहुत ज्यादा कोई ऐसा एडवांस मेडिटेशन नहीं करना है, कुछ नहीं तो आंख बंद करके तुम बस डीप ब्रेथ करोगे, वो भी तुम्हारे लिए मेडिटेशन। मतलब शांत, मोबाइल दूर, सब कुछ दूर, बुक दूर, थोड़ा सा शांत रह के अपने आप को सेंटर्ड करने की कोशिश करने का, दिन में 10 मिनट 5 मिनट जितना समय निकाल सको। अब मैं तुमको एक सजेस्टेड टाइमलाइन दे रहा हूँ। सजेस्टेड टाइमलाइन का मतलब सर अभी से लेके एग्जाम तक तुम्हारे लिए क्या मेजर माइलस्टोन है। तो रिजल्ट डेट 8 अगस्त को आ गया, अब जब तुम वापस रीस्टार्ट कर रहे हो तो भूलना मत कि एग्जाम फॉर्म खुल चुके हैं, तो तुमको 22-23 अगस्त से पहले एग्जाम फॉर्म भी भरने, वो भी भर देना। अब तुमको ना एक डेटा, मतलब एक डेट रखनी पड़ेगी, डेडलाइन। डेडलाइन मतलब मैं जो यहाँ डेडलाइन बता रहा हूँ वो मैक्सिमम है, उससे पहले रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। पर किसी की कोई भी सिचुएशन हो, चाहे उसके आधे से ज्यादा चैप्टर्स भी उसके बाकी हो करने, फिर से 31 अक्टूबर इज द डेडलाइन। उसके पहले कर रहा है बहुत अच्छी बात है, 1 महीने पहले कर रहा है बहुत अच्छी बात है। पर्सन टू पर्सन है ना, किसी का कितना बचा है, किसका कितना बचा है, लेकिन 31 अक्टूबर ऐसा है कि उसके बाद क्लास करना बैन। नवंबर का पूरा महीना और दिसंबर के 20 दिन, ये 1.5 महीना पौने 2 महीना सिर्फ रिवीजन और मॉक पेपर्स में जाना चाहिए। रिवीजन, प्रैक्टिस, मॉक पेपर, इन्हीं सब में जाना चाहिए। तो ये जो तुम्हारा सिलेबस कंप्लीशन का जब स्टेज आएगा 31 अक्टूबर, क्योंकि उसके बाद भी मैं मेरा मोड चेंज कर दूंगा। मैं यूट्यूब पर लाइव आऊंगा तो मैं थ्योरी है जरूरी लूंगा, मैं OTM लूंगा, मैं कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज लूंगा, मैं फॉर्मूला मैराथन्स लूंगा। उसके पहले तुम्हें भी तो तैयार होना जरूरी है, वरना वहां पर तुमको फोमो वाली फीलिंग आएगी कि देखो मेरी क्लासेस चल रही है, लोग रिवाइज कर रहे हैं। तो अभी से सीरियस हो जाओ ना कि 31 अक्टूबर इज द डेडलाइन। हाँ, मान लो तुमने 10 चैप्टर की क्लासेस करने को सोचा था और उस दिन तक 9 चैप्टर हुए, छोड़ दो 1 चैप्टर, कोई बात नहीं, पर रिवाइज में तो आना ही पड़ेगा तुम्हें एट द एंड। और ऑब्वियसली जब एग्जाम से 15-10 दिन बचे होते हैं, तब हम मैराथन की पूरी सीरीज भी लाते हैं जिसमें फुल सिलेबस रिवाइज करते हैं। रिवीजन में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे 1 शॉट रिवीजन पुराने भी डले हैं, नए भी डालूंगा। रिसोर्सेज की कमी नहीं है, आपकी विलिंगनेस के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये पूरी टाइमलाइन आप देख सकते हो, अकॉर्डिंगली प्लान आउट कर सकते हो। अब मैं आता हूँ स्पेसिफिक गाइडेंस बेस्ड ऑन द सिचुएशन ऑफ द स्टूडेंट। सर ये मेरा पहला अटेम्प्ट था और मैं पहली बार फेलियर को देख रहा हूँ, इनका एक अलग चैलेंज है। इन्होंने लाइफ में पहली बार फेलियर देखी, 12वीं तक कभी फेलियर नहीं देखी। इट्स ओके टू नॉट क्लियर एन एग्जाम, क्योंकि अभी तक हमने देखा नहीं था ना, तो बहुत बड़ी बात लग रही है अभी के लिए हम। बट सीए के अंदर एक बार किसी अटेम्प्ट में नहीं निकलना इज वेरी नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल का मतलब ये नहीं कि मैं लेथार्जिक हो जाऊं, नॉर्मल मतलब अब भाई नहीं हुआ है तो ठीक है। पर अब जो सेकेंड अटेम्प्ट दे रहा हूँ, इसको अपने आप का लास्ट अटेम्प्ट मानूंगा, ठीक है। मतलब अब तुम्हें अपना बेस्ट देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। सो टेक दिस फेलियर एज अ चैलेंज नाउ। तो अब जो फेलियर देखा है ना, उसको ही चैलेंज एक्सेप्ट करो कि अब तो भाई ये जो दाग लगा है इसको मिटा के रहूंगा, ये जुनून होना चाहिए। कंसिडर द कमिंग अटेम्प्ट एज द लास्ट अटेम्प्ट फॉर यू एंड फोकस मोर ऑन आइडेंटिफाइंग द वीक एरियाज। क्योंकि तुम दूसरी बार एग्जाम दे रहे हो और रिसेंटली तुमने क्लासेस करी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तुम्हें सब कुछ शुरू से करना है। इसलिए वीक एरिया ढूंढो, उस पर काम करो और फिर इंप्रूव करो। और तुम बाकियों से अच्छी परिस्थिति में हो, यू कैन टारगेट हाई ऑल्सो। वाई? बिकॉज बाकी लोग जो दिसंबर में पहली बार पेपर दे रहे हैं, वो सिलेबस को पहली बार देख रहे हैं। तुम्हारे पास तो एक बार फिर से मौका आया है, सिलेबस तो तुम जानते ही हो। अब बचे हुए समय में तो तुमको मेनली रिविजन में फोकस करना है। यू कैन सेट योर टारगेट हाई, ठीक है। अब जिनका सेकेंड या उससे ज्यादा अटेम्प्ट है भाई, उनकी परिस्थिति मैं जानता हूँ बहुत खराब हो जाती है मेंटली। बहुत उनको लगने लगता है, बहुत सारे सेल्फ डाउट आते हैं, बहुत ज्यादा बिलीफ में प्रॉब्लम आता है। अब मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ भाई, जबरदस्ती का किसी को मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ, सुनना।
अपने आप से पूछो, क्या पिछली बार जो तुमने मिस्टेक तुम्हें लगता था कि नहीं करनी चाहिए, क्या तुमने फिर से कर दिए? अगर तुम्हें लगता है कि तुमने फिर से कर दिए, मतलब देयर इज स्टिल स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, कि हाँ भाई अब तुम इस बार फॉर्म हो जाओ कि तुम्हें वो मिस्टेक नहीं करनी, पिछली बार ठीक है नहीं हो पाया। अगर तुम ब्लैंक हो एंड नॉट एबल टू आइडेंटिफाई वीकनेस, टेक हेल्प ऑफ अदर्स। कई बार हम ना हम खुद स्टक हो जाते हैं, तो अपने दोस्त से पूछो, उसको रिव्यू करवाओ, टीचर से हेल्प लो, जानने की कोशिश करो कि मुझसे कमी क्या रह जा रही, कॉपीज बुलवाओ, उसको रिव्यू करो। पिछली बार शायद तुमने कॉपी ना बुलवाई हो, तुमको लगा अरे मैं तो क्लास कर लूंगा फिर से हो जाएगा, पर जो गलतियां तुम्हें लगता है पिछली बार दोहरा दी तुमने, अब तो आखिरी चांस लेके उसको एक बार सुधारने की कोशिश करो। वंस यू रियलाइज, एक बार तुम्हें लग जाता है ना कि हाँ भाई देयर इज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, अगर तुम्हें अंदर से लगना चाहिए भाई, तुम्हें अंदर से लगना चाहिए कि हाँ भाई अभी इंप्रूव करने का स्कोप है, अभी मैं अपने आप को सुधार सकता हूं, अभी भी मुझे पता है कि मेरी तरफ से गलती है, तो फिर पास्ट को भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ फोकस करो कि इस बार कैसे बेस्ट देना है। ये जो हाई प्रेशर आया है यही तुम्हारा मोटिवेशन बनना चाहिए, और गिव अप नहीं करना है तुमको। लेकिन भाई तुम्हें अगर ऐसा फील आ रहा है, तुमने बहुत इंट्रोस्पेक्शन किया, तुमने बहुत सोचा, लेकिन तुम्हें ऐसा फील आ रहा है कि नहीं तुमने तुम्हारा बेस्ट दिया है, लेकिन ये फील्ड ही तुम्हें मजा नहीं आ रहा, इट्स नॉट टू बी टेकन एज कि भाई मैं कोई कमजोर इंसान हूं और गिव अप कर रहा हूं। कई लोग ना बड़े ईगो में सीए कंटिन्यू रखते हैं कि ईगो है भाई, चालू किया है तो लोग क्या कहेंगे, बंद कर दिया। नहीं, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। अगर तुम्हें लगता है यू आर गिविंग योर बेस्ट, अब तुम्हें कहीं एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, बस तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कि भाई नहीं अब से मेरे से नहीं हो पा रहा, कॉपी भी तुमने देख ली, सब कुछ हो गया, और फिर अगर तुम सोच रहे हो कि यू नीड टू स्विच द करियर, यू नीड टू चेंज द करियर, तो आप ये मत बोलो कि तुम सीए को छोड़ दियो, तुम बस ये बोलो कि दिस कोर्स इज नॉट फॉर मी। इसी तरीके से कई बार लोग ना अपने आप पे लोअर कॉन्फिडेंस लेके चले जाते हैं कि नहीं यार मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है भाई। तो इससे इमोशनली अटैच होने की कोई जरूरत नहीं, इसको ईगो पे लेने की, माइंड पे लेने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम्हें अंदर से वाकई में फील आता है कि देयर इज नो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया, कई लोगों के चार अटेम्प्ट हो जाते हैं, पांच हो जाते हैं, और उनको समझ ही नहीं आ रहा है, उन्होंने सब कुछ करके देख लिया, सारे टीचर से गाइडेंस ले लिया, दोस्तों से हेल्प ले ली, खुद से सब कुछ सोच लिया, लेकिन नहीं हो रहा, यस यू कैन लीव इट, ब्लंटली सेइंग यू कैन लीव इट, नॉट अ प्रॉब्लम, बिल्कुल छोड़ सकते हो, मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं इसमें, ठीक है। अब इसके बाद भी अगर आपके दिमाग में कोई सवाल बचते हैं, इफ देयर इज एनी अदर क्वेश्चन लेफ्ट, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, कल सुबह 11 बजे, टुमारो लाइव 11 AM ऑन 9th of August, मैं अनअकैडमी की स्पेशल क्लास पर आपके लिए एक लाइव सेशन लेने वाला हूँ, आस्क मी एनीथिंग, जहाँ पर ऑब्वियसली अगर आप जो है हमारे पेड सब्सक्राइबर्स हैं तो कॉल पे बात कर सकते हैं, और जो बाकी बच्चे हैं भाई वो चैट्स में अपने सवाल पूछ सकते हैं, जहाँ पर मैं आप लोगों की क्वेरीज को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं कल 11 बजे, और ये जो मैं सेशन की बात कर रहा हूँ इसका लिंक मैंने कॉमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन पे सब जगह पिन कर दिया, जाके एनरोल कर लेना, फ्री क्लास है, ऐप के अंदर है लेकिन फ्री क्लास है। और दूसरी बात, इफ़ यू फील दैट देयर इज एनी अदर थिंग दैट यू वॉन्ट टू टेल टू एवरी वन, मतलब जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर आप में से कोई ऐसे बच्चे हैं जो इसके पहले फेल हुए थे और इस बार पास हो गए, और आपको समझ में आया है कि हाँ ये भी किसी की प्रॉब्लम हो सकती है, और आप किसी को ये बात सजेस्ट कर सकते हो कि भाई ये देख ले, शायद ये मैंने गलती करी थी, कहीं तूने भी तो नहीं करी, तो प्लीज़ यार आपसे भी थोड़ी हेल्प एक्सपेक्टेड है। जो बच्चे क्लियर हो गए हैं और शायद उनका फर्स्ट नहीं था, सेकेंड या थर्ड अटैम्प्ट में क्लियर हुए हैं भाई, उनसे ये वाली हेल्प जो है मुझे चाहिए। तो आप लोग भी कॉमेंट बॉक्स में अपने सजेशन ज़रूर दें, मैंने जितना स्ट्रेटजाइज किया वो तो है ही, उसके साथ साथ आपकी तरफ से भी अगर कोई इनपुट आता है तो इट विल बी वेरी वेरी गुड, यू आर एक्चुअली हेल्पिंग अदर्स, ठीक है जी। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू ऑल टुमारो लाइव इफ यू हैव एनी अदर प्रॉब्लम, और जो भी मैंने आपको गाइडेंस दिया है उस गाइडेंस को फॉलो करने की कोशिश करिए, और प्रैक्टिकली थोड़ा सोचिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसको लेके जरूर फीडबैक दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और भी कोई आपकी क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में भी आप डालिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, और आस्क मी एनीथिंग सेशन में तो मिलने ही वाले हैं, ठीक है जी। टेक केयर, बाय बाय, सी यू ऑल, लेट्स क्रैक इट।